हम सीख रहे इस तरह का बैनर किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल फोटोशॉप में आएंगे, फाइल में जाकर न्यू करेंगे, यहाँ से क्लिक करके ऑप्शन लेंगे वेब पर, और यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा दिए हुए इसके ऊपर, तो हम इस पर ऐसा करते हैं कि 800 की हाफ कर देते हैं 400, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 100,000, ठीक है। और रेजोल्यूशन को हम रख लेते हैं 100 पिक्सल्स के अंदर, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ओहो, ये इस तरह का बन गया, ये वर्टिकल है। खैर, अब अगर कोई आपके पास पहले से साइज आ गया और उसको आपको रिसाइज करना है, तो इमेज में जाके कमांड जिसका नाम है इमेज साइज, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्टर और आई, कंट्रोल ऑल्टर आई दबाएंगे तो इमेज का रिसाइज मोड आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें इसकी विड्थ हमने रखी है 4 और हाइट बता रहा है 10, ठीक है, और ऊपर पिक्सल्स में बता रहा है 400 पिक्सल इधर से और 1000 इधर से। सिविल कॉमनली हम इसको करेंगे 1000 ऊपर कर देते हैं और 400 नीचे कर देते हैं, इसे ओके करेंगे तो ये एक साइज निकल आया। लेकिन अगर मुझे इसको इससे भी ज्यादा विड्थ में रखना है तो इमेज साइज में दोबारा जाऊंगा और 1000 से जाके 1400 पिक्सल्स में यहाँ पे कर देता हूँ। नोट डाउन, ये इंचेस में साइज आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस करेंगे इंचेस में और यहाँ पे करेंगे पिक्सल्स पर। यहाँ पर 1400 वाली एंट्री नहीं करनी वरना कंप्यूटर हैक हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखें साइज उसका परफेक्ट निकल आया। अब इस साइज का मतलब क्या है कि मेरे बैनर की जो चौड़ाई है वो 14 इंच है जबकि हाइट उसकी 4 इंच है। अगर इसको भी बढ़ाना है तो 5 इंच कर सकते हैं यहाँ से, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 500 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 1 इंच में 100 पिक्सल हमने रेजोल्यूशन सेट की है। तो इसको ओके करेंगे तो इस तरह से आपके सामने बैनर का एग्जैक्ट साइज निकल आएगा। तो अब इसमें देखें कलर है, ब्राउन कलर इसमें हुआ हुआ है, डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ से एक पैन बकेट टूल लेते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से और एक ब्राउन कलर ले लेते हैं यहाँ से। तो ब्राउन कलर लेके इसे क्लिक करके हमने अप्लाई कर दिया, ये ब्राउन कलर इसमें फिलअप हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन है, तो इसके लिए बनाएंगे शेप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 सेकंड दबाने के बाद रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर शेप हम बनाएंगे, शेप बनने के लिए शेप की एक अलग लेयर होगी, इस पर क्लिक करके मूव टूल लेंगे। अब शेप का कलर कैसे चेंज करेंगे, शेप का कलर शेप पर क्लिक करेंगे, शेप की लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेप का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ से इसमें जो कलर भरना है भर दें, कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करेंगे और उसको एंड टू एंड जो है सेट कर देंगे। अब ये एंड टू एंड सेट हो गया, लेकिन इसकी जो विड्थ है थोड़ी ज्यादा है तो इसको कम कर लेते हैं और उसको क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि नीचे के साइज पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। कंट्रोल एस दबा के अपनी फाइल को सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे पीएस फाइल्स पर, पीएस असाइनमेंट्स पर और यहाँ पर आके हम इसको सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास फ्लॉलेस के नाम से आ गई हमारे पास क्लास है, क्लास 16 थी 17 के ऊपर सेव कर लेते हैं, तो अब आप देखते हैं कि इसके पीछे इस तरह से भी एक ग्रे एरिया दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि इसमें तो ग्रे एरिया नहीं दिख सकता, तो अब हम क्या करेंगे, एक और कमांड यूज करेंगे कैनवास साइज। देखिए ये बैनर जिसमें हमारा बन रहा है उसको हम कहते हैं कैनवास। अब कैनवास का साइज हमें थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और उसको एक्सटेंड करेंगे तो हम ये इस तरह का शेड दो तरह से दिखा पाएंगे। तो अब इस कैनवास के साइज को कैसे एक्सटेंड करें, कैनवास के साइज को एक्सटेंड करने के लिए हम इमेज में जाएंगे, कैनवास साइज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे याद रहे कि ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, मतलब ये हाइट ऐसे कैलकुलेट करनी है और विड्थ ऐसे कैलकुलेट करनी है। अब आपको कितनी हाइट विड्थ में आपको वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू चाहिए, तो 14.3 हमने कहा कि हमें विड्थ में चाहिए और 5.3 हमें हाइट में चाहिए। अब ये पूछ रहा है किस साइड पर चाहिए, देखिए अगर आप ओके करेंगे तो होगा क्या, चारों तरफ इस तरह से ये निकल आएगा, ठीक है, अगर चारों तरफ चाहिए तो ये सही था। लेकिन अगर चारों तरफ नहीं चाहिए कैनवास साइज में, तो 14.3 एंड 5.3 तो आपको अगर चाहिए सपोज को भी ऊपर की तरफ तो नीचे क्लिक करेंगे और नीचे चाहिए तो ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा अगर आपको चाहिए यहाँ पर लेफ्ट पर तो आप राइट पर क्लिक करेंगे और अगर राइट पर चाहिए तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, अपोजिट है, देन ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे निकल आया। सिंपल सा आपने करना ये है कि यहाँ पे एक लेयर ऐड करानी है, लेयर ऐड करा के उस लेयर को सबसे नीचे लेकर आना, उस पर क्लिक करके पैन बकेट टूल की मदद से यहाँ से कोई भी ग्रे कलर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ऐसा कलर जिससे जाहिर हो कि ये इसका शेड है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये काम कर लेना है, ठीक है। और अगर इसको इससे भी ज्यादा थोड़ा डार्क करना है तो क्लिक करके इसको यहाँ से जो कलर आपने भरा है इसके अंदर लाइट ग्रे था तो उसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डार्क ग्रे ले लें यहाँ से कलर, और जब डार्क ग्रे ले लें तो इस पर अप्लाई कर दें तो ये से नजर आएगा। अब आ रही बात इस चीज की कि ये थोड़ा सा इसके बाहर निकलता हुआ भी नजर आ रहा है और वो किस तरह होगा, तो अब आपको 3 इंच का स्पेस यहाँ भी लेना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, यहाँ से कहेंगे कैनवास साइज, कैनवास साइज पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पर 5.14.3 है तो 14 पॉइंट आपको यहाँ पे
फिक्स करना होगा और जैसे ओके करेंगे तो 3 इंच का स्पेस यहाँ भी निकल आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को पकड़ के शिफ्ट के साथ, या अगर दोनों को नहीं भी पकड़ते तो फिर आपको जो है ना ये करना पड़ेगा कि इसको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल ले लें, क्लिक करके लेफ्ट एरो की मदद से इसको आप इस तरह से आगे निकाल लें। तो अब आपको इजीली नजर आ रहा होगा कि ये इससे अलग हो गया और वो इससे थोड़ा सा अलग हो गया। अब इस सूरत में अगर हम यहाँ पे 3 इंच का स्पेस नहीं भी लेते तो वो ऑटोमेटिकली 3 इंच का स्पेस हमें कवर हो जाता। अब अगर स्पेस कम करना है तो क्या करेंगे, दोबारा कैनवस साइज पर जाएंगे और हमें वहाँ से कम करना है तो यहाँ क्लिक करके 14.3 कर देंगे इसको उस साइड से, तो स्पेस का 3 इंच कम हो जाएगा और प्रोसीड करने पर ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा मामला। सही, तो ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब इसके जो बैकग्राउंड है वो वाइट, असल में ये पूरा एक बैकग्राउंड वाइट है, समझ में आ रही मेरी बात, ये पूरा बैकग्राउंड वाइट है तो इस वजह से ऐसा नजर आ रही है। अब अगर हमें इसके भी पीछे के बैकग्राउंड को वाइट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेयर ऐड करा लें और उसमें क्लिक करके कलर भर लें वाइट। तो इसका जो वाइट कलर है उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो वो वाइट कलर इसमें भर तो जाएगा लेकिन नजर नहीं आएगा क्योंकि वो इसके पीछे है। तो अब कितना स्पेस चाहिए, हम ऐसा करते हैं 3-3 इंच स्पेस चारों तरफ पे ले लेते हैं। तो कैनवस साइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3-3 इंच का स्पेस चारों तरफ चाहिए, तो चारों तरफ 3-3 इंच का स्पेस चाहिए तो यहाँ पर 14.3 और 3 कितने हो गए 17.3 यहाँ पे ले लिया हमने, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 5.8.3 तो यहाँ पे 8.3 का स्पेस यहाँ पे ले लिया और ओके कर दिया। तो ये देखें स्पेस चारों तरफ निकल आया। अब इस पे क्लिक करके जहाँ पे आपने व्हाइट कलर भरा था दोबारा से एक बार व्हाइट कलर भर दें तो ये देखें बैनर का जो शेड है वो इस तरह से बन जाएगा। अब आपको उसको कम करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा इसको कम कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि बस ये इसके हिसाब से जाहिर हो जाए कि हाँ भाई ये इसका वो है जो दिखाई दे रहा है इसका शेड है। तो ये देखें इस तरह से बन जाएगा। यहाँ थोड़ा ऊपर से कम करना है तो कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ऊपर से भी कम कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको कायदा इसका शेड दिखाई देगा। तो ये अब आपको ऐसा लगेगा ये बैनर इसके ऊपर लगा हुआ है। वैसे हम सीधा बना देते तो वो स्ट्रेट बैनर बन जाता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें उसको डिस्प्ले कराना है कैसे है तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये भी करके साथ साथ बता दिया। तीनों को अलग अलग लेयर पर हमने काम करा था, ये हो गया। अब आते हैं बाद इसके ऊपर कि ये कैसे बनेगा, ये इसके अंदर फोटो कैसे लगेगा, टेक्स्ट वगैरह तो आप लिख ही लेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक टेक्निक है इस काम को करने की, तो इस काम को करने की टेक्निक ये है कि हमें ये हिस्सा रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर हमें ये फोटो लगाना है, तो उसके ऊपर हमें एक शेप रिक्वायर्ड होगा जिस पर ये फोटो लगेगा। पहले की शेप को पहले इसके हिसाब से निकालना होगा। अब इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे शेप को, इसको देखिए, देखें एक सर्कल बनाएंगे हम इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे सर्कल का शेप लेंगे और उसको हम यहाँ से अल्टर के साथ इस तरह से अल्टर शेप के साथ बनाना शुरू करते हैं और ये इस तरह से बन जाएगा। ये एक सर्कल का शेप इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है, ये इसको क्रॉस करता हुआ बनेगा, ठीक। और बड़ा कर लें थोड़ा सा कंट्रोल के साथ, अगर हम बना ही रहे हैं तो अल्टर शेप के साथ दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। ये दोबारा से बनाना शुरू किया और ये पूरा एंड टू एंड पॉइंट के ऊपर ये सर्कल का शेप जाके लगने वाला है। तो ये देखिए ये सर्कल का शेप हमने निकाला इसमें से, तो इस तरह से पूरा निकल आया और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब ये सर्कल इसके पीछे है जब नजर नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको आगे करूंगा तो ये सर्कल ऐसा नजर आएगा। अब सर्कल में कलर भर देते हैं जिससे सर्कल अलग से जाहिर हो, तो डबल क्लिक किया और इसमें हमने यहाँ पे ये वाला कलर भर दिया, ठीक है। अब ये सर्कल इसके ऊपर आ रहा है तो ये इस तरह से हो रहा है, पीछे जा रहा है इस तरह। अब हमें निकालना है सर्कल को इसके साथ से, कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक तरीका है इस काम को करने का। अब इसका तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेते हैं, कंट्रोल जे करके ले लिया डुप्लीकेट, उसके बाद हमने यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई दबाना है लेयर्स को मर्ज करने के लिए, तो लेयर्स मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेयर्स मर्ज की शॉर्ट की देखने क्या है, कंट्रोल ई, तो जैसे दबा के ओके करेंगे दोनों लेयर एक पे आ गई। अब इससे होगा ये, अब अच्छा एक पर तो आ गई लेकिन हाँ ठीक है, अगर एक पर आ गई है तो वाइट वाला भी उसके साथ ऐड करना था मुझे। तो अभी हमारे पास जो वाइट वाली लेयर है वो कहाँ पर है, वो ये है, ठीक है, जो सर्कल के ऊपर आ रही है, इसको हम थोड़ा सर्कल के नीचे ले लेते हैं और इसकी भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये इसकी डुप्लीकेट आ गई, इसकी तीनों लेयर्स को मिला के हमने वाइट ब्राउन और उसको मिला के कंट्रोल ई किया तो ये एक लेयर बन गई। ये देखें एक लेयर बन गई। अभी इनको मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ और ये वाली आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी क्लियर है। अब ये जो लेयर बनी है बेसिकली, अब ये लेयर में ये ऑप्शन इसके ऊपर आ गया, ठीक है, और अब मुझे इसमें से ये हिस्सा निकालना है, लेकिन अब ये मैं कैसे निकालूँगा, तो निकल ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अंडू कर दिया, ये नहीं निकलेगा इसमें से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाले ऑप्शन के ऊपर लेके जाता हूँ और इसको आगे रखता हूँ, इसको ऐसे आगे रखा मैंने सर्कल से, ठीक है। अब सर्कल पर राइट बटन दबा के इसको रेस्टराइज कर दिया ताकि ये शेप से कन्वर्ट हो जाए पिक्सल्स के अंदर।
अब क्या कर रहा हूँ मैं कि ये इस तरह से रख के मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये वाला टूल जिसका नाम है पॉलीगोनल लेफ्ट टूल, और इसको जहाँ से मुझे निकालना है सर्किल को उस जगह से मैं निकालूंगा। अब यहाँ पे निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि सर्किल का बाहर वाला हिस्सा कैसे निकलेगा। तो देखें इसका आसान तरीका ये है कि आप पहले क्या करेंगे कि सर्किल जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसका बाहर वाला हिस्सा निकालने के लिए आपने पहले यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, फिर यहाँ क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, फिर यहाँ बाहर जाना है, फिर बाहर जाना है, और फिर लाके यहाँ पे जोड़ देना। ये जुड़ गया इसके साथ, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसका, चलो और बेहतर तरीके से कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ से ये डिलीट हो गया, और यहाँ से ये डिलीट हो गया, ठीक है। अभी सर्किल जो है उसके हिसाब से निकल जाएगा, आगे कर देंगे सर्किल आगे, ठीक है। ये काम हमें करना था, और अब इसकी डुप्लीकेट की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नीचे इमेज है और वाइट वाला तो अपनी जगह पर ही है, तो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये शेप हमें चाहिए था इसके साथ, ठीक है। ये शेप इसका निकल आया बखूबी, और उसे क्लिक करके हमने यहाँ से आगे पीछे करके थोड़ा सेट कर लिया, तो ये इस तरह से बन रहा है। अब एक कंट्रोल ओ करके सेव करने के बाद एक फोटो लेके जो हमें इसके अंदर दिखाना है, जो इस तरह से कुछ शो करना है, तो ये फोटो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी ले लेते हैं फोटो, लेट्स सपोज ये वाला फोटो ले लेते हैं, या कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके क्या कंट्रोल वी कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फॉर्म किया तो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तस्वीर को एडजस्ट किया कि ऐसे दिखानी है, क्लिक किया। अब तस्वीर को ऊपर रखना है और जो शेप है उसको नीचे रखा हमने, उसका तस्वीर पर राइट बटन दबाया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये तस्वीर उस मास्क के अंदर चली गई, यानी कि सिर्फ वही एरिया विजिबल होगा जो उस शेप के ऊपर आ रहा था, बाकी जो शेप से बाहर होगा वो सब इनविजिबल हो जाएगा। रिलीज करने का तरीका ये, राइट बटन दबाएंगे रिलीज क्लिपिंग मास्क, और फिर राइट बटन दबाएंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो शेप जो नीचे जितना नजर आ रहा है वही हिस्सा तस्वीर का नजर आएगा, बाकी हिस्सा तस्वीर का नजर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर एक आउटलाइन बनानी थी, अब वो आउटलाइन कैसे बनाने, इसका तरीका ये है कि इस शेप पे क्लिक करें, कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट करें, नीचे ही आ गया, इस पे ही क्लिक करें इस नीचे वाली लेयर पे, और इस पे क्लिक करके शेप बिल्डर ने यहाँ से इसके अंदर व्हाइट कलर भर दे, तो ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखें व्हाइट कलर के अंदर फिल हो गया। फिल होने के बाद इस वाली लेयर को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव की से लेकर आए, तो ये देखें इस तरह से ये आपको नजर आएगा, और जब ये पूरा भार आ जाए कंट्रोल टी कर लें, और कंट्रोल टी करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लें, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लें, और इसको क्लिक करके अप्लाई कर दें, तो ये देखें शेप का बेहतरीन स्ट्रक्चर निकल आएगा। अब वो जो एक्स्ट्रा एरिया इसका नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके अपनी लेयर पे, और क्लिक करने का शेप सेलेक्ट टूल लेके उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो ईजिली डिलीट हो जाएगा, बशर्ते कि इस शेप पे क्लिक करके फिर आप दबाएं ताकि वो उस पर से डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये देखें इस तरह बन जाएगा, बाकी टेक्स्ट वगैरह आप इसमें ऐड कर दें जो भी लिखना है, और ये आपका बैनर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, इस तरह से चाहिए।